एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट इंडिया। मैं हूं आपकी फ्रेंड ईशा। तो आज मैं लेके आई हूं एक कप सूजी से बहुत ही हेल्दी और चटपटा सा नाश्ता, जिसे आप जब चाहे तब बना के तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, और झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको बाहर से भी कोई सामान नहीं लाना पड़ता, इसके लिए आप अपने घर में रखे सामान से इसे झटपट बना के तैयार कर सकते हैं, और बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सूजी का नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कप सूजी ले ली है। तो अब हम इसे मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। नाश्ता बनाने के लिए हमें यहाँ पे बैटर तैयार करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले पानी को गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ हमने गैस ऑन कर ली है। अब पैन में हम इसमें 2.5 कप पानी ऐड करेंगे। तो 1 कप हमने यहाँ पे सूजी ली थी, तो 2.5 कप पानी ऐड करेंगे इसमें हम। नमक ऐड करेंगे, तो एज पर टेस्ट आप इसमें नमक ऐड करें। आधे नींबू का रस ऐड करेंगे, इससे खट्टा फ्लेवर देने के लिए। इससे हमारे नाश्ते में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, और इससे हमारा जो नाश्ता है वो अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो अब हम गैस की फ्लेम हाई करके इसमें बॉयल आने देते हैं। ये पानी में हमारे अच्छे बॉयल्स आने लग गए हैं। तो ये पानी हमारा अच्छा बॉयल हो चुका है, और नमक भी नींबू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं इस पानी में। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इस पानी को हम अपने सूजी में ऐड कर लेंगे। नींबू से हमारे नाश्ते में अच्छा टेस्ट आएगा, और साथ ही साथ जो हमारा नाश्ता है वो सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार होगा बिना किसी सोडे के और इनो के। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये सूजी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो हमारा बैटर बन के तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमको बैटर की। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्स नहीं है। तो ये अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हम यहाँ पे गैस ऑन कर ली है। पैन में हम 1 टीस्पून रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे, और ऑयल को भी गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा यहाँ गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें 1 पिंच हींग ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बढ़िया आएगा हमारे नाश्ते में। 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चा टेस्ट ना आए। अब हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे, तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, गाजर ऐड करेंगे, इन्हें फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्ची ऐड करेंगे, तो इन सबको हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। इन्हें हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का सॉफ्ट ही करना है। इससे हमारी स्टफिंग में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने 1 टमाटर ले लिया है। नमक ऐड करेंगे इसे सॉफ्ट करने के लिए, तो ये एज पर टेस्ट आप ऐड करें। वैसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे हम। ये टमाटर भी हमारे अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये सारी सब्जी हमारी अच्छी फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हम इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला ना हो तो आप सांभर मसाला या फिर मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें अच्छा टेस्ट देने के लिए, चटपटा टेस्ट देने के लिए, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून केचप ऐड करेंगे। इससे बहुत बढ़िया हमारी स्टफिंग का टेस्ट आएगा। वही सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और सब्जियां भी हमारी अच्छी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये स्टफिंग को हमने प्लेट में निकाल लिया है, और ये ठंडी भी हो चुकी है। तो अब चलते हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। तो पानी को भी हम यहाँ पे अच्छा गर्म कर लेंगे। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक छन्नी रख ली है, तो इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हम इसमें नाश्ता ऐड करेंगे वो चिपकेगा नहीं। तो इसे हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो अब हम नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यह पानी भी हमारे यहाँ अच्छा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें छन्नी रखेंगे। 1 कड़छी बैटर ऐड करेंगे इसमें हम, इस तरीके से इसे गोल कर लेंगे।
नाश्ता आप जितना बड़ा बना सकते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा खाना आप पसंद करते हो। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून स्टफिंग ऐड करेंगे, अपनी चटपटी स्टफिंग, और दोबारा इसके ऊपर हम बैटर को ऐड कर लेंगे इसे कवर करने के लिए। और इसे कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम हाई करके इसे हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो भाप से बहुत ही जल्दी हमारा नाश्ता अच्छे से पक जाएगा। 3 मिनट हो चुके हैं हमारे नाश्ते को पकते हुए, तो अब हम कवर हटा के चेक कर लेते हैं। तो ये नाश्ता हमारा अच्छा फूल चुका है और अच्छे से पक भी चुका है। आप देख सकते हैं जो ऊपर की लेयर है वो अच्छी ड्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं छन्नी को। अब हम इस नाश्ते को निकाल लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये नाश्ता निकल भी जाता है और हेल्दी भी है क्योंकि इसे हमने बिना ऑयल से बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया ये हमारा उत्तपा बन के तैयार हुआ है। इसे उत्तपा कह लीजिए, स्टफ इडली कह लीजिए, बहुत ही टेस्टी और चटपटा ये हमारा नाश्ता तैयार हुआ है बिना तेल से। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं दोबारा नाश्ता बनाने के लिए, और दोबारा इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे हम ताकि जो हमारा नाश्ता है वो इसमें चिपके नहीं, और इसमें बैटर ऐड कर लेंगे। अब हम इसे बैटर ऐड कर लेते हैं। तो नाश्ते का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा खाना आप पसंद करते हो। अब हम इसमें स्टफिंग को ऐड कर लेंगे, स्टफिंग से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है फ्रेंड्स। और दोबारा इसमें हम अपने बैटर को ऐड कर लेंगे इसे कवर करने के लिए। अब हम गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे और इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं हमारे नाश्ते को पकते हुए, तो अब हम कवर हटा के चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा नाश्ता अच्छा पक चुका है और अच्छा फूल भी चुका है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये दूसरे नाश्ते को भी हमने प्लेट में निकाल लिया है, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, इसके हम 2 पीस कर लेते हैं। ये हमारे बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसे स्टफ इडली भी कह सकते हैं या फिर इसे उत्तपा भी कह सकते हैं। तो इसमें जो हमने स्टफिंग भरी है वो बहुत ही चटपटी और मसालेदार है, तो आप इसे बिना चटनी के भी खा सकते हैं। इतना बढ़िया नाश्ता बनता है और बिना तेल से बना है, तो हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाएं, खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।